अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शेज़वान चटनी। मैंने ली है 80 हरी मिर्चियाँ, चॉप कर दिया है चॉपर में, 4 मुट्ठी लहसुन छीलकर चॉपर में चॉप कर दिया, 5 डंडियाँ सेलरी की चॉप कर दिया, 2 मुट्ठी अदरक छीलकर चॉप कर दिया। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो तो आप चॉपिंग बोर्ड पे भी चॉप कर सकते हो, लेकिन एकदम बारीक होना चाहिए। तेल मैंने गरम कर दिया है, फ्लेम स्लो कर दिया है। इसमें डाल दिया है मैंने लहसुन को, थोड़ा भून लेना है। फ्लेम स्लो पर है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी अदरक। अदरक भी मैंने डाल दिया है। अदरक और लहसुन को थोड़ा भून दिया है 5 मिनट तक। अभी मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चियाँ। हरी मिर्चियाँ भी मैंने डाल दी है, अभी इसको भी हमको साथ में भून देना है। हम 5 मिनट तक इसको भी भून लेंगे। अभी फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे हिला हिला कर। पाँच से 7 मिनट तक मैंने इसको भून दिया। देखिए तेल नज़र आ रहा है, अदरक लहसुन की कच्ची खुशबू भी जा चुकी है। अब मैं इसमें सेलरी जो चॉप की हुई है वो डाल रही हूँ। अभी फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे हिला हिला कर। पाँच से 7 मिनट तक मैंने इसको भून दिया। देखिए तेल नज़र आ रहा है, अदरक लहसुन की कच्ची खुशबू भी जा चुकी है। अब मैं इसमें सेलरी जो चॉप की हुई है वो डाल रही हूँ। सेलरी डालने के बाद हम 5 मिनट तक और इसको भून लेंगे, लेकिन हिलाते जाएंगे, इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। इसको हम भूनते जाएंगे। सेलरी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरेंज रेड कलर। मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया है। अब हम भूनने के लिए वापस से फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कलर को और 5 मिनट तक भून लेंगे। टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। 5 मिनट तक मैंने इसको भून दिया है। मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। गैस से उतरने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप भरकर टोमेटो केचप। एक कप और डाल देंगे टोमेटो केचप का, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून अजीनोमोटो। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर पाउडर्ड शुगर। इसमें मैं 1 टेबलस्पून और शक्कर डाल रही हूँ। टोटल हो गई 2 टेबलस्पून शक्कर। भी अच्छी तरह से उसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर शुगर आपको पकाना है तो आप जब अदरक लहसुन सारी चीज़ें पका रहे हो, सेलरी डालने के बाद आप शुगर तब डाल लीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून विनीगर। ये वाइट विनीगर था, लेकिन मैंने सॉस वाले कप में डाला इसलिए वाइट नहीं दिख रहा था आपको। इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से। इसको आप बॉटल में बंद करके फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हो, कई महीनों तक स्टोर कर सकते हो इसे।
शेजवान चटनी रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।